अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद आमिर साहब। टुडे द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज गेटिंग एडमिशन इनटू बीएस एक्टिविटी टैक्सला विद अनवर मलिक साहब। अनवर मलिक साहब इज करंटली डूइंग बीएस एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग फ्रॉम यूटी टैक्सला। बाकी उन्होंने एडमिशन कैसे सिक्योर किया यूटी टैक्सला में, स्कॉलरशिप कौन से अवेलेबल है, फाइनेंशियल असिस्टेंस किस तरह की अवेलेबल है, वो उन्हीं के साथ डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अनवर मलिक साहब, रियली थैंक्स कि आप माशाल्लाह अपना कीमती वक्त निकाल के आए। Before deep diving into the admission process, थोड़ा सा बता दें कि BS से पहले आपका academic background क्या था? First of all, Bhav bhai, thank you so much for giving me this opportunity so that I can share my little bit experience with the audience and so that they can get benefit. First of all, मैंने मैट्रिक जो है वो एक गवर्नमेंट अब्बासी हायर सेकेंडरी स्कूल भावलपुर से जो है वो की अपनी। उसके बाद फर्दर मैंने जो है ना वो सुपीरियर कॉलेज से जो है ना अपनी FSC की, और उसके बाद मैंने जो है ना वो माइंडसेट बनाया हुआ था कि किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना वो एडमिशन लेना है। तो उसके बाद आपको पता है बेसिक जो स्टेप होता है वो इसका होता है ECAT का, इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट। तो वो देने के बाद जो अल्हम्दुलिल्लाह वो UET टैक्सला में जो है वो हमने एडमिशन जो है ना वो सिक्योर हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा कि एक स्टूडेंट है जो न्यू कमर है, जो अप्लाई करना चाह रहा है, उसके लिए क्या प्रोसेस है, कहाँ से वो फॉर्म्स डाउनलोड कर सकता है, कहाँ पे इसको अपलोड बाद में सबमिट करवाना होता है, थोड़ा सा इस प्रोसेस में, और क्या फीस होती है फॉर्म्स की, इसके बारे में। अच्छा, इसमें यह है कि देखें, पहले तो प्रोसीजर वही है सेम कि आप अपना पहले ECAT देंगे। ECAT के लिए फॉर्म जो है वो आप डाउनलोड करेंगे, और फॉर्म फिल करने के बाद आप उसकी जो फीस है वो चालान जो है वो आप किसी भी बैंक में जो है ना वो डिपॉजिट करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो आप टेस्ट की जो है ना वो डेट का वेट करेंगे, जब वो टेस्ट की डेट होगी उस टेस्ट को आप उस टेस्ट पे जो है ना आप टेस्ट देंगे। उसके बाद जब आपकी लिस्टें वगैरह लग जाएंगी, लिस्टें वगैरह लगने के बाद अगर आप कामयाब हो जाते हैं एडमिशन सिक्योर करने में और आपका लिस्ट में नाम आ जाता है, तो फिर आपने क्या करना है, तो फिर उसके बाद आपने UET का जो है ना वो ऑफिशियल जो है ना वो वेबसाइट है uettaxla.edu.pk, तो उस पर आप जाएंगे और उधर वो सारे ऑप्शन आ रहे होते हैं कि डाउनलोड जो है ना एडमिशन फॉर्म और इस तरह के सारे जो है ना वो एक तरतीब से फॉर्म्स के लिंक्स आ रहे होते हैं, वो आप जो है ना उधर से डाउनलोड करेंगे, उनको फिल करेंगे कि आपको कहाँ पे जो है ना एडमिशन आपको सिक्योर हुआ है। उसके बाद आप ऑन कैंपस विजिट करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाने के लिए। डॉक्यूमेंट्स आप ऑफिस होता है एडमिशन ऑफिस उस पर उसको कहते हैं, वहाँ जाएंगे आप अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप सबमिट करवाएंगे। और एक चीज़ का ख्याल रखेंगे कि वहाँ पे एक चेक लिस्ट लगी होती है कि उन्होंने बताया होता है कि आपने जो सबसे ऊपर अपना फॉर्म रखना है वो आपने बे फॉर्म रखना है, उसके बाद मैट्रिक की शीट रखनी है, फिर FSC की शीट रखनी है। ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से डॉक्यूमेंट को जो है ना वो लिस्ट करते हैं, उनका कोई भी बंडल बनाते हैं अपनी तरफ से, उनकी एक तरतीब होती है, उन्होंने लिखा होता है कि इस तरतीब के साथ आपने बाइंड करके अपने फॉर्म्स जो है ना सारे डॉक्यूमेंट्स को आने, तो वहाँ आप जो है ना वो इसको सबमिट करवाएंगे, तो इंशाल्लाह उसके बाद जो है ना वो आपका एडमिशन जो है ना वो हो जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, रियली थैंक्स फॉर एलैबोरेटिंग इन डिटेल। अच्छा, थोड़ा सा बता दें, आप चूंकि आपने कहा कि ECAT भी देना पड़ता है, तो एक स्टूडेंट जो अप्लाई करना चाहता है ECAT में, फर्स्ट ऑफ ऑल बताएंगे क्या क्या कोर्स कंटेंट होते हैं, ठीक है, और उनकी क्या परसेंटेज होती है, और ECAT की बताते खुद एज ए टेस्ट क्या परसेंटेज होती है, थोड़ा सा इस बारे में बता। अच्छा, बताते खुद जो ECAT की जो है वो परसेंटेज कैलकुलेट होती है वो होती है 30%, और उसके अलावा जो FSC है वो हमारे पास होती है 70%, तो 30% प्लस 70% इज इक्वल टू 100%, वो हमारा पूरा एग्रीगेट बन गया। अब हम मूव करते हैं कि ECAT का जो है वो कोर्स कैरिकुलम क्या होगा, कितने MCQs पर सब्जेक्ट होते हैं और किस तरह से इसकी डिवीजन की जाती है। तो इंग्लिश के जो है वो हमारे पास 10 MCQs आते हैं, उसके अलावा फिजिक्स के हमारे पास 30 MCQs आते हैं, केमिस्ट्री के हमारे पास 30 MCQs आते हैं, और मैथ के हमारे पास 30 MCQs आते हैं। तो इस तरह 30 30 30 प्लस 10, तो वो हमारे पास 100 हो गया। एक जो है वो MCQ जो होता है हमारे पास वो होता है 5 मार्क्स का, ठीक है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 × 5, तो हमारे पास जो है ना 4 मार्क्स, 100 × 4 करेंगे तो हमारे 400 का जो है ना हमारे पास ECAT का जो है ना वो टेस्ट हो गया हमारे पास। तो उसके अलावा जो कोर्स कंटेंट होता है वो सारी बुक इंक्लूड होती है इसमें। MCAT की तरह ये नहीं होता कि कुछ सिलेबस होगा या नहीं, FSA की पूरी बुक, उसके अलावा फिजिक्स की पूरी बुक, केमिस्ट्री की पूरी बुक, तो उसमें आपका कोर्स करिकुलम कोई नहीं है, जो FSC में आपने पढ़ के पूरी पूरी बुक आए होते हैं वही उसका जो है ना वो करिकुलम है, और वो कहीं से भी इस टेस्ट को जो है ना वो बना सकते हैं। तो ऐसा जिसका कोई डिज़ाइन नहीं है कि भाई आप ये वाला कोर्स कंटेंट कर लें या खाली ये चीज़ टॉपिक पढ़ लें तो आपको हो जाएगा, आपको पूरी बुक ही कवर करनी पड़ेगी। ठीक है,
अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ स्केल 1 to 10 आप क्या रिकमेंड करते हैं कि किस कितना कंसेप्चुअल टेस्ट होता है? यानी एक बंदे ने अगर एफएससी अच्छे तरीके से किया है तो आया उसको एकेडमी ज्वाइन करने की जरूरत है, या एकेडमी के बगैर भी वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है अगर उसने लॉजिकली और कंसेप्चुअली जो है एफएससी पास आउट किया? अगर मैं स्केल के साथ आपको इसको डिटरमिन करूं तो अगर किसी बच्चे ने एफएससी अच्छे तरीके से की हुई है तो 10/10 उसको जरूरत नहीं है एकेडमी रखने की, वो ऐसे भी अपना हाईएस्ट मार्क्स भी सिक्योर कर सकता है। ईकैट इज नॉट सच अ बिग डील, उसको पास करना कोई इतना बड़ी गेम नहीं है। मैं अगर कह दूं कि नहीं यार बहुत मुश्किल है, आवाम को पहले ही वो डिमोटिवेट होती है और डिमोटिवेट हो जाए, नहीं, ये एक 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 ही सच बात है कि जिसने एफएससी की हुई है, जिसने अच्छी तरह थोरोली की हुई है या थोरोली नहीं भी की हुई, एटलीस्ट उसने ध्यान से थोड़ा सा किया हुआ, लेक्चर्स लिए हैं थोड़ा सा, और 80% 85% के करीब अगर उसके मार्क्स हैं तो वो अकेला भी तैयारी कर सकता है। लेकिन अगर वो देखता है कि उसको चीज़ें ग्रैप करने में दोबारा से मुश्किल हो रही है, कंसेप्ट रिवाइज करने में या चीज़ें भूल गए, तो डेफिनेटली उसको फिर हेल्प की जरूरत पड़ेगी, तो वो फिर अकेडमी ज्वाइन करेगा। और अगर आप मेरी बात करें तो मैंने अकेडमी ज्वाइन की थी लाहौर जबुर जी कैंपस में, किप्स में। तो वैसे मैं बेसिकली भावलपुर से था, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा मूव किया जाए, जिससे कि वो कहते हैं ना कि ज़मीन बदलें तो नसीब बदलें, तो जमीन बदली तो अल्लाह का शुक्र है एडमिशन भी हो गया, अल्लाह का बड़ा करम। माशाल्लाह, नहीं नहीं सही, बिल्कुल आपने लॉजिकल बात की। अच्छा, ये तीन तो सब्जेक्ट्स हो गए ना, आपने कहा कि एफएससी जिसने पढ़ी हुई है लॉजिकली उसका, अब आते हैं इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश कितना मुश्किल पार्ट होता है, और आया मतलब एक स्टूडेंट जिसने एफएससी किया उसके लिए इजनेस रहती है इंग्लिश करने में, या कोई मुश्किल किस्म का टेस्ट होता है रिगार्डिंग इंग्लिश? अच्छा, इंग्लिश में उन्होंने एक ये चीज़ बताई होती है कि कम्प्रीहेंशन आएगी आपकी, आपने जो है आपको एक पैराग्राफ दिया होगा उसके मुतालिक नीचे सवाल दिए होंगे और उसी पैराग्राफ के अंदर से ही आंसर जो है आपको पिक करके नीचे आपको टिक करने होंगे, एमसीक्यूज ही होते हैं। तो उसका कोई इन्होंने सिलेबस नहीं दिया होता इंग्लिश का, वो कहीं से भी उठा के दे देते हैं। तो बात वही आ गई कि ये एक इंग्लिश का जो पोर्शन मैं समझता हूँ एक जनरल ही है, इसकी कोई क्राइटेरिया नहीं है कि यहाँ से हम पढ़ लें यहाँ से पढ़ लें, बस आपकी एक इंग्लिश थोड़ी वो स्ट्रांग होनी चाहिए। और जब आप अगर कोई एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस करवाते हैं कि आपने कम्प्रीहेंशन का जो पैराग्राफ है वो किस तरह से टैकल करना है। तो आई थिंक सो कोई इतनी ज़रूरत नहीं है इंग्लिश में भी, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसमें कोई फॉर्म तो वर्क तो आ नहीं रही, कोई सेंटेंसेस तो आपसे पूछे नहीं जा रहे, तो बस अगर आपका ब्रेन एक जो है ना वो एक्सट्रैक्ट करने में अगर अच्छा है इंफॉर्मेशन को किसी पैराग्राफ के अंदर से, तो डेफिनेटली आप आराम से इसको कवर कर सकते हैं। ठीक, माशाल्लाह। अच्छा, जैसे आपने बताया कि 30% जो है वो एफएससी है और इंटरव्यू, सॉरी 30% जो है वो टेस्ट है ईकैट, और 70% जो है वो इसके अलावा होता है एफएससी बेस। तो इसके अलावा भी कोई जो है होती है मतलब किसी कोई परसेंटेज किसी और चीज की भाई, यहाँ बस मतलब यानी कि ऑब्वियसली हो सकता है इंटरव्यू की परसेंटेज ना होती हो, लेकिन आया कोई इंटरव्यू होता है कोई एचआर टाइप या किसी भी किस्म का जिसमें आपसे आप बेसिक नो हो पूछते हैं, या जस्ट इसकी बेस पे एग्रीगेट बन के आपका दाखला हो जाता है? नहीं, ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं होता, ना कोई फॉर्मली ना कोई इनफॉर्मल, कोई इंटरव्यू नहीं होता, आपकी लिस्ट लगती है एग्रीगेट के हिसाब से। हाँ, इसमें ये होता है कि जो हाफिज कुरान है वो उसका टेस्ट होता है, 20 नंबर उसको जो है ना वो मिलते हैं, क्योंकि आई मेल सेल्फ मैं भी हाफिज हूँ तो मैंने टेस्ट दिया था, तो उसमें यह था कि 20 नंबर का जो होता है वो आपके नंबर होते हैं, अगर उसमें से आपको या तो 20 मिलेंगे या 0 मिलेंगे। इसमें ये नहीं क्राइटेरिया कि जो है ना आपको 15 मिल गए मुझे 18 मिल गए, या तो आपको आता या नहीं आता, बस ये दो ही सिचुएशन होंगी इसके अंदर। लेकिन वो बड़ा एक रोल प्ले कर रहा होता है एग्रीगेट के अंदर, 20 मार्क्स जो है जब वो ऐड होते हैं कि एग्रीगेट के अंदर, तो दे डेफिनेटली बूस्ट अप योर जो है एग्रीगेट। वाकई मतलब अगर 100% में से 20% यानी कि एक बंदे ने 70% भी ओवरऑल मार्क्स आए हैं, तो वो सिर्फ 20% उस मार्क्स की बेस पे जो है उसको एडवांटेज मिल सकता है, हो सकता है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ट्रैक चला जाए। सही है, ठीक है, ऐसे ही है। अच्छा, आपने अनवर मलिक साहब बताया कि 20 मार्क्स जो है वो हाफिज के होते हैं, तो मुझे बताएं कि इसमें क्या कोई खास मतलब नंबर डिफाइंड होता है कि मतलब 5 हाफिज अप्लाई कर सकते हैं या 10 हाफिज अप्लाई कर सकते हैं, या जितने भी हाफिज आए हैं वो सारे के सारे जो है वो कंसिडर होते हैं इस मार्क्स के लिए? अच्छा, इसमें यह है कि हाफिज का जो है ना वो टेस्ट होता है, आलिम जो है वो मुख्तलिफ हमारे जो है ना बैठे होते हैं, ये नहीं है कि
सौ हाफिजों ने अप्लाई, 100 हाफिज है तो 100 के 100 हाफिजों को 20 नंबर मिल गए। ठीक है, मैं आपको जैसे बताया कि टेस्ट होगा वो आपसे सुनेंगे बकायदा, ठीक है। अच्छा अब उसमें यह है कि काफी सारों को रिजेक्ट भी हो जाते हैं जिनको जिनको नहीं याद होता, तो अब 20 मार्क्स की बड़ी अहमियत होती है, तो वो दे विल नॉट गिव इन चैरिटी, मतलब कि वो किसी को ऐसे उठा के मार्क्स नहीं देंगे, ठीक है हाफिज की सनत है आपके पास और ये आपके 20 मार्क्स आ गए। तो ये तो एक आपका एक यूटी में सिक्योर करने के लिए बड़ा एक वो होता है एडवांटेज। तो इसमें टेस्ट होगा बकायदा, जितने भी अगर हाफिज क्वालिफाई होगा बेशक वो 100 है 1000 है तो उनको मिलेगा, और बेशक 1000 ना हो 1 हो तो उस एक को ही मिलेगा, तो ठीक ये जरूरी नहीं है कि सबको मिल जाए। ठीक है। कंडीशन ये है कि आप क्वालिफाइड हो जाएं उनकी तरफ से, आप अपनी साइड से चाहे कहते रहे, जी अगर आपको नहीं याद उनके सामने आया तो आप जो है उनके लिए मतलब उन्होंने आपको उसमें से लिस्ट में से रिमूव कर देंगे। ठीक है जी, डन जी हो बिल्कुल गया, ऐसे ही डन हो गया। ऐसे ही। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इस टाइम जो है वो क्या क्या डिग्रीज जो है वो यूटी टैक्सला ऑफर कर रहा है, और उनके लास्ट ईयर मेरिट क्या रहे थे, ताकि स्टूडेंट्स को पता चल सके कि यार मैं इसके करीब करीब रहूंगा तो जो है ना मेरा एडमिशन सिक्योर हो सकेगा। अच्छा, इसमें सबसे पहले ये है कि हमारे पास जो वेल रिनोइंग डिग्रीज है जो हर यूनिवर्सिटी ही ऑफर करवा रही होती है, जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, सीएस, सॉफ्टवेयर, उसके अलावा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, मेगाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है, ये हमारे पास कुछ जो है वो फील्ड्स वगैरह हैं, और सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो उसके अलावा ये है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा जो वो मेरिट होता है वो एज यूजल मैकेनिकल का होता है, ठीक है, उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग का होता है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल का होता है। अगर मैं एक एक बात करूँ, लास्ट मेरिट जो है वो जो थे अब 20 जो है ना हमारे पास सेशन आया है 2020, तो उसमें जो हमारे पास मेरिट वगैरह थे वो इतने हाई एज सच कोई इतने हाई नहीं थे। अगर आपका एग्रीगेट अगर आप मैकेनिकल में लेना चाह रहे हैं तो आपका एग्रीगेट कम से कम 75% हो तो आप जो है ना वो एक सिक्योर साइड पे होते हैं, 75 एग्रीगेट अगर आप ओवरऑल बन रहा है। और अगर आप इलेक्ट्रिकल में देना चाह रहे हैं और सिविल के अंदर, तो आपका 72, 73 या 74 के दरमियान दरमियान हो। अगर बीच में आ जाए आप सॉफ्टवेयर या सीएस के अंदर, इसमें थोड़ा सा मेरिट जो है वो नीचे चला जाता है। इसमें अगर मैं आपको एक रेंज बता दूं तो वो ये है कि 65 से 70 के दरमियान हम अगर आ जाएं, इसके दरमियान एग्रीगेट हो तो आपका किसी ना किसी लिस्ट के अंदर नाम आ जाता है। और यही यही बाकी सारी फील्ड इन्वायरमेंटल हो गए, सीएस हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए, ये सारी इसी के अंदर ही आ जाती है। होंगे। अच्छा, मुझे इधर से थोड़ी ये कंफ्यूजन, क्योंकि मुझे याद है कि इवन हमारा जो 2007 में जब मेरिट था, इवन तब मेरिट इस लेवल पे नहीं था होता है, तो क्या मतलब इस साल कोई वजह रही है, यानी इससे पहले डिफरेंट होता था, या अब ओवरऑल यूजुअली रहता ही पिछले सालों से 4-5 सालों से यही रह रहा है मेरिट? असल में इशू ये आ रहा है कि मैं ये समझता हूँ कि जो डिक्रीजिंग मेरिट जा रहा है, पहले बहुत मेरिट होते थे इन चीज़ों के, इन डिग्रीज की, अब वो मेरिट नहीं रहे। और इसकी वजह ये है कि जो जिस सेचुरेशन से इंजीनियर निकल रहा है ना, तो अब बच्चों को खुद भी पता लग रहा है कि यार हम मैकेनिकल के अंदर घुस तो रहे हैं, तो वो नेस्ट भी मैकेनिकल करवा रही है, प्यास भी मैकेनिकल करवा रही है, आईयूबी भी, यूटी लाहौर भी, यूटी टेक्सला भी, हर यूनिवर्सिटी तो करवा रही है, तो जॉब्स निकलती हैं 100-150। तो बच्चों के अंदर अवेयरनेस पैदा हो रही है कि यार जो है ना वो हम मतलब कि कहीं और फील्ड्स भी जो है ना एक्सप्लोर करें रादर देन इंजीनियरिंग। तो जो हाई एग्रीगेट वाले होते हैं वो जरूरी नहीं है कि इनकी तरफ आए, वो कोई बीबीए की तरफ भी जा रहा है, अब कोई लॉ की तरफ भी जा रहा है, कोई सीएसएस करने की तरफ भी जा रहा है, कोई बीबीए करने की तरफ भी जा रहा है। एक तो ये वजूहत हो गए। दूसरी ये बात हो गई कि एक बच्चे ने 10 यूनिवर्सिटियों में तो अप्लाई किया होता है, वो चांस ले रहा होता है अपना, पहली लिस्ट में जिसका मैकेनिकल में यूटी टेक्सला में नाम आ गया, लेकिन उसने नश में भी अप्लाई किया हुआ है, तो अगर वो वहां अफोर्ड कर सकता है, उसका नाम वहां आ गया, तो उसने जाहिर बात है वो ये सीट छोड़ जानी है। पहले इस चीज का अवेयरनेस नहीं थी, वो एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते थे। अगर आप 4-5 साल 6 साल पीछे चले जाएं तो वो एग्रीगेट हाई होता था। अब बच्चों के पास ऑप्शन भी ज्यादा हैं, तो हर जगह वो अप्लाई तो करते हैं, जाना उन्होंने एक ही यूनिवर्सिटी में होता है, तो फिर जो पिछली सीट होती है वो उनकी जो है ना वेकेंट रह जाती है, और उस पर फिर कोई और आ जाता है, तो मेरिट मेरिट ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाता है। अच्छा, मुझे बताएं, एक स्टूडेंट का उम्मीद करते हैं उसने ईकैट भी अच्छा दे लिया, उसका एग्रीगेट भी अच्छा बन गया, वो अपनी डिजायर्ड उसमें चला गया। अब आते हैं फीसिस की तरफ जो है ना, तो क्या आजकल फीस जो है वो पर सेमेस्टर चल रही है जो है यूटी टैक्स लाने? अच्छा, ये था कि जो हमारे 2K16 सेशन था उसकी फीस कम थी, 2K17 की उससे बढ़ गई, 2K18 की, मेरा 2K18 सेशन है अभी, मेरा 6 सेमेस्टर कंप्लीट हुआ है, तो 2K18 की उससे बढ़ गई। तो जो हालात चल रहे हैं मुल्क के लिहाज से उसमें तो ये है कि जो जो सेशन अब न्यू न्यू आता जा रहा है उनकी फीसें बढ़ती ही जा रही हैं। अब हम जैसे कि दे रहे हैं कि 45,000 तक पर सेमेस्टर हम दे रहे हैं, तो अगले जो आ रहे हैं वो 50 दे रहा है, कोई 55 दे रहा है, तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की इतनी फीस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि
ये गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी होते हुए अगर आप 50-50 हज़ार रुपये ले रहे हैं खाली फीस, उसके बाद जो है ना वो और खर्चे आपके अलग हैं, अगर आप हॉस्टल रह रहे हैं तो वो फूड का अलग खर्चा है, मेस का अलग खर्चा है, तो फीसिस तो ये आपके सामने चल रही हैं और बड़ी ज्यादती है कि अगर एक स्टेट इस चीज़ को भी मैनेज नहीं कर पा रही तो फिर तो फायदा नहीं है, गरीब का बच्चा तो फिर नहीं पढ़ सकेगा इतनी फीसों के साथ। बिल्कुल ठीक कहा। इस मामले में मैंने सिर्फ एक यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में अभी तक जितने मैंने इंटरव्यू किए हैं 50-55 मैं कर देता हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी है वो बाहर यूनिवर्सिटी है जो 25 से 30 हज़ार रुपया पर सेमेस्टर ले रही है। मैं समझता हूँ ये भी फीस हो सकता है कि कई स्टूडेंट्स के लिए अनअफोर्डेबल हो, लेकिन इससे ज्यादा मैंने रीजनेबल फीस अभी तक देखी नहीं है, मतलब बाकी जो है यूनिवर्सिटी और बाकी गवर्नमेंट को कंसिडर करना चाहिए। किसी जमाने में प्राइवेट और गवर्नमेंट, लोग गवर्नमेंट में जाते ही इस वजह से थे कि यार फीसें जो है वो कम जो है वो चार्ज होती है जो है ना, तो अगर गवर्नमेंट की भी फीसें जो है पास्ट की मेरे ख्याल में शायद 1:10 से 1:20 के करीब होगी ना स्क्वायर, तो अगर आप गवर्नमेंट और प्राइवेट का डिफरेंस ही खत्म करते जा रहे हैं तो फिर वो अल्टीमेटली तो आपने कोई फायदा ना छोड़ा जो स्टूडेंट्स के लिए जो है ना। शायद इसी वजह से मुझे मुझे पर्सनली मेरिट में शायद ये भी एक वजह दिख रही है कि जो है ना वो लोगों को लगता है कि यार अगर मैं साल 50 हज़ार रुपये ज्यादा देता हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस टू यूनिवर्सिटी बड़ा डिफर कर जाता है, तो हो सकता है ये भी वजह एक जेन में बन रही होगी कि यार मुझे एक्सपीरियंस भी अच्छा मिल रहा है और फीस पे इतना फर्क तो रह नहीं गया है, तो लोग अल्टीमेटली मूव कर रहे हो इस वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो है ना आपने इसमें कंट्रीब्यूट किया, ये एक वन ऑफ द मेन फैक्टर चलो इसमें हम फिर काउंट कर सकते अच्छा, मुझे बताइएगा कि एक स्टूडेंट, अब जैसे आपने बात की इसी सही बात जो है ना, अगला क्वेश्चन है वो ये है कि अब स्टूडेंट जो नहीं अफोर्ड कर सकता ठीक है, तो उसके लिए क्या हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस, किस तरह के स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटीज ने जो है वो रिक्रूट किए हैं कि एक स्टूडेंट जो मेरिट पे आ गया तो कम से कम सिर्फ फीस ना देने की वजह से उसको जो है वो वापस ना जाना पड़े, वो कम से कम पढ़ सके उस यूनिवर्सिटी में हर सूरत। अच्छा, इसमें टू बी ऑनेस्ट कोई ऐसी यूनिवर्सिटी की तरफ से रिलैक्सेशन प्रोवाइड नहीं की गई, ठीक ठीक है है। गवर्नमेंट की तरफ से हमने जैसे हम सबको पता है एहसास स्कॉलरशिप चल रहा है, एहसास स्कॉलरशिप के नाम से, ठीक है मैं भी उसका जो है वो जो है ना मुझे भी एहसास स्कॉलरशिप अवार्ड हुई भी है, ठीक है। बिल्कुल उसके अलावा ये तो हुकूमत की तरफ से होगा, यूनिवर्सिटी का सिर्फ एक ये करते हैं कि जो सेमेस्टर में टॉप करता है स्टूडेंट, CGPA जिसका सबसे हाइजेस्ट होता है क्लास के अंदर, तो वो उसको जो है वो 30 हज़ार रुपये या 35 हज़ार रुपये दे देते हैं ठीक बस। है यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई और कोई रिलैक्सेशन ये नहीं है कि आपकी फीस माफ़ हो जाएगी, मेरिट पे आ गए हैं तो अब आपकी फीस में थोड़ी कमी हो जाए, कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है इसके अंदर, ठीक है। पहले हमारे पास HEC का स्कॉलरशिप होता था, ठीक है, वो खत्म हो गया, अब जब से इमरान खान साहब आए तो अब ये एहसास स्कॉलरशिप के नाम से जो है ना वो कन्वर्ट हुआ हुआ है। ये चीज़ें हैं जो इसमें कोई फाइनेंशियल कोई इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। हो गया। अच्छा, मुझे बताइएगा जैसे आप ऑफसाइट दी जो है वो टैक्स लाए तो स्टूडेंट्स के लिए क्या हॉस्टल अवेलेबिलिटी का फैसिलिटी दी हुई है, मतलब हॉस्टल सबके लिए अवेलेबल है जो आउटसाइड द सिटी है या मतलब बाहर जाके मैनेज करने पड़ते हैं, थोड़ा सा इस बारे में बता दीजिए। अच्छा, इसमें यह है कि ना हॉस्टल की जो अवेलेबिलिटी है वो सारे स्टूडेंट्स के लिए नहीं होती जिनके एडमिशन हो जाते हैं, उसमें ये होता है कि इन्होंने ना डोमिसाइल्स जो है ना वो एक बनाए होते हैं, नॉमिनेट किए होते हैं कि इस्लामाबाद डोमिसाइल का है उसको नहीं मिलेगा हॉस्टल अगर वो अप्लाई भी करेगा, रावलपिंडी का है वो नहीं, क्योंकि वो करीब के पड़ जाते हैं, वो रोज आ जा सकते हैं, उनको सर्विस शटर जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो इसके अलावा जो भावलपुर के डोमिसाइल के हैं, मुल्तान का है, कुछ दूर के इलाके के हैं, एक उन्होंने एक मेंशन किया होता कि इन डोमिसाइल्स के बच्चों को हॉस्टल नहीं मिलेगा, तो वो उनको नहीं मिलता, उनको वो अलॉट नहीं करते रूम्स वगैरह, लेकिन जो दूर के हैं डेफिनेटली अब उनका तो रोज आना जाना हो नहीं सकता, तो उनके लिए जो है वो प्रोवाइड करते हैं। डन हो गया, डन हो गया। अच्छा, और फीसेस क्या है हॉस्टल की, मतलब पर मंथ वाइज होती है, सेमेस्टर वाइज, थोड़ा सा इस बारे में, और क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल होती है हॉस्टल में। अच्छा, इसमें ये होता है कि तो हमारी जो फीस होती है ना उसके अंदर ही ये हॉस्टल के चार्जेस और ये चीजें शामिल होती हैं, अलग से कोई दोबारा से नहीं देनी पड़ती कि ये अब ये हॉस्टल के अलग चार्जेस आ गए। हाँ, जब फर्स्ट टाइम आप रिक्रूटमेंट हो रही होती है आपके रूम्स की, उस वक्त आपके 10 हज़ार रुपये या 15 हज़ार रुपये वो लेते हैं आपसे, उसमें ये होता है कि आपका बिल उसी में आ जाता है, उसमें वाईफाई उसी में आ जाता है, गैस नहीं होती रूम्स के अंदर, गैस नहीं होती, लेकिन नीचे जो जैसे कोई जो कैंटीन वगैरह उनमें गैस वगैरह होती है, इंटरनेट हो गया हमारे पास, बिजली हो गई हमारे पास, और जो कोई अगर बल्ब वगैरह खराब हो गया तो इलेक्ट्रिशियन जो है वो हमारा यूनिवर्सिटी के अंदर ही है, एप्लीकेशन लिखें वो आ जाएगा, वो फ्री सर्विस है, तो वो ये चीज़ें कुछ है जो है ना सर्विसेज अवेलेबल है इसके अंदर, पैकेज के अंदर। अच्छा अनवर मलिक साहब, माशाल्लाह आपने जो है हॉस्टल अवेलेबिलिटी को तो बड़ा अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया, थोड़ा सा बता दें कि न्यू स्टूडेंट्स के लिए कोई आपके पास एडवाइस हो जो आप समझते हो कि यार ये मुश्किलात न्यू स्टूडेंट्स को आती हैं,
तो वो अगर ये वाली चीजें अमल कर लेंगे तो उनको जो है वो बेहतरी रहेगी। अच्छा, इसमें ये है कि जो बेसिकली स्टूडेंट जो डिफिकल्टी फेस करते हैं वो एकेडमिक की जो है वो परफॉर्म नहीं कर सक रहे होते। हम एक आते हैं एफएससी के बैकग्राउंड से, जिसमें जहाँ पे हमने पूरी पूरी किताबें की होती हैं अपनी, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स की, जहाँ पे हमने टू द पॉइंट रहे तो ज़्यादा बेहतर है। उसमें ये कि जो पीपीटी, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो टीचर शेयर करते हैं जिससे पढ़ाते हैं वो, और उसके अलावा अगर वो कोई किताब रिकमेंड करके उसके अंदर से अगर कोई वो खास चीज़ रिकमेंड करते हैं कि यार ये न्यूमेरिकल है, ये आप कर लीजिएगा, ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वो अगर आप यही चीजें कवर कर लें तो मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। हाँ, उसके बाद अगर ये आप सारी चीजें हजम कर सकें तो उसके बाद आप बेशक फिर आपको बहुत अगर ज्यादा पढ़ने का शौक है तो आप किताबों को गो थ्रू कर सकते हैं अपने नॉलेज के लिए, बट पहले आपने इस चीज को करना है जो पेपर में आता है। अगर आप पूरे एक समंदर के अंदर ही डाइव कर लेंगे और एक नॉलेज में आप कहेंगे बस मैं सारा नॉलेज लूँ तो फिर अगर आपसे संभलेगा नहीं तो फिर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। तो एफएससी और यूनिवर्सिटी में जो है ना वो मार्क्स लेने का डिफरेंट एक मेथड होता है, तो उसको आपने ख्याल रखना है। उसके अलावा मेरी ये एडवाइस होगी स्टूडेंट्स को कि जो यूनिवर्सिटी के अंदर आता है वो खास तौर पे अपने एकेडमिक को स्टेबल करने के बाद को करिकुलर एक्टिविटीज पर भी ध्यान दें, जिसमें कि डिफरेंट सोसाइटीज में जो है ना पार्ट लेना, डिफरेंट कोर्सेज करना, डिफरेंट वॉलेंटियर काम में जो हिस्सा वगैरह लेना, ह्यूमैनिटी के काम में हिस्सा लेना, पीस के काम में हिस्सा लेना, ह्यूमन राइट्स के अंदर जो है ना अपना पार्ट प्ले करना, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जो एक हाई सीजीपीए जिसका है उसमें आपको कटिंग एज प्रोवाइड करेगा इंटरव्यू के अंदर। अच्छा, थैंक्स फॉर कंक्लूडिंग द इंटरव्यू सो ब्यूटीफुली अनवर मलिक साहब। तो मोस्ट प्रॉब्ली दोस्तों आपकी पर्टिनेंट क्यूरीज जो है रिजॉल्व हो गई होंगी। इसके अलावा आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में पास ऑन कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि अनवर मलिक साहब तक पहुंच सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फर्दर वीडियोस मिलती रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बार बार इस चैनल पर आने के लिए मोहम्मद वाह मिर्जा आपका तहे दिल से शुक्रगुजार। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।